हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं विजन आई एस दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर दोस्तों हम पिछले लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोगों ने आचार्य जगदीश चंद्र बोस यहाँ तक के टॉपिक को कवर कर लिया था आज के इस लेक्चर के जरिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डायरेक्टली न्यूज इन शॉर्ट्स पे, ठीक है? न्यूज इन शॉर्ट्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जिसको शॉर्ट में स्पिन कहा जाता है फिर से रीड कर लीजिए स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क समझते हैं ये टॉपिक न्यूज में क्यों आ गया इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसरो इसने साइन करा है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ सोशल अल्फ़ा के साथ, साथ ताकि हम लॉन्च कर सकें स्पिन को अब स्पिन मैं बता चुका हूँ क्या है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए इसरो ने सोशल अल्फा के साथ एम साइन करा है जो स्पिन है ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए इनोवेशन के लिए क्यूरेशन के लिए वेंचर डेवलपमेंट के लिए फॉर द फॉर द स्पेस एंटरप्रीनरशिप इकोसिस्टम इन सभी के लिए ठीक है इट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज ऑब्वियसली इसके अलावा सेलेक्टेड स्टार्टअप जो हैं और इनोवेटर्स विल बी एबल टू एक्सेस बोथ सोशल अल्फ़ा और इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ऑब्वियसली इन दोनों का जो जो भी सेलेक्टेड स्टार्टअप्स वगैरह होंगे इनको सोशल अल्फ़ा और इसरो के इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा इसके अलावा इट विल प्राइमरीली फोकस इन थ्री डिस्टिंग इनोवेशन कैटगरी कौन कौन सी इनोवेशन कैटगरी पर फोकस करेंगे आप देख लीजिए जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन दूसरा है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस मोबिलिटी और तीसरा है एरोस्पेस मटेरियल सेंसर्स और एवियोनिक्स तो इन सब पे इनोवेशन कैटेगरीज पे फोकस करा जाएगा अगला टॉपिक है वो है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन इस मिशन का नाम है शॉट शॉर्ट में सोट फिर से रीड कर देता हूँ सोट का फुल फॉर्म सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन समझते हैं इस मिशन के बारे में इंटरनेशनल सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सोट मिशन इज़ अ कोलेबरेटिव एफर्ट बिटवीन नासा एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कैनेडा कैनेडियन एंड यूके स्पेस एजेंसी तो पहली बात तो ये पता कर लीजिए कि शोट किसका मिशन है पता चल गया ना नासा फ्रेंच स्पेस एजेंसी इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन कैनेडियन और यूके स्पेस एजेंसीज का भी है ठीक है सोट जो है फर्स्ट सेटेलाइट मिशन है जो कि मेजर करेगा क्या मेजर करेगा भाई देख लीजिए हाइट मेजर करेगा किसकी वाटर इन फ्रेश वाटर बॉडीज और ओशन की ठीक है तो समझ में आ गया किसकी हाइट मेजर करेगा फ्रेश वाटर बॉडीज ओशन सबकी हाइट मेजर करेगा ऑन मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस ठीक है तो समझ में आ गया ना सोट का मिशन का एम uh, क्या है हाइट मेजर करना सोर्ट विल बी विल कवर द एंटायर अर्थ सरफेस बिटवीन सेवेंटी एट डिग्री साउथ एंड सेवेंटी एट डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एटलीस्ट वंस एवरी ट्वेंटी वन डेज तो इतना याद रखिए एंटायर सरफेस कवर करेगा लेटिट्यूड आपको पता ना अर्थ में ये लेटिट्यूड होती है और ये लॉन्गिट्यूड होती है तो देख लीजिए लेटिट्यूड का कितना है सेवेंटी डिग्री साउथ और सेवेंटी एट डिग्री नॉर्थ में ठीक है दोस्तों इट यूजर्स का बैंड रेडर इंटरफेरोमीटर तो इसको याद रखिए कहा जाता है तो इसका इस्तेमाल करेगा मेजर करने के लिए वाटर सरफेस का हाइट देख लीजिए विच बाउंस रेडर पल्स ऑफ द वॉटर सरफेस एंड रिस रिटर्न सिग्नल यूजिंग टू एंटीनाज ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट अब भाई अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं इनकी ओशन की और वाटर बॉडीज की तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए सोर्ट मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है यह प्रोवाइड करेगा इंसाइट इंटू हाउस कार्बन डाइक्साइड कोव करते हैं ठीक है इंप्रूवड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिपिंग पॉइंट और बिजली टिपिंग पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद मिलेगी देखिए टिपिंग पॉइंट क्या होता है पॉइंट एट विच ओशन स्टार्ट रिलीजिंग हीट दस इंटेंसिफाई ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया टिपिंग पॉइंट क्या है टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है ओशन का जहाँ से ओशन जो है आ, हीट को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है इसके अलावा और किस चीज़ में मदद करेगा शॉर्ट हेल्प करेगा पॉलिसी मेकर्स को ताकि बेटर प्रिपेयर कर सकें और प्लान कर सके फॉर डिज़ास्टर इंक्लूडिंग प्लस और ड्रॉट इसके अलावा हेल्प करेगा बेटर ट्रैक सी लेवल राइज विच विल डायरेक्टली इंपैक्ट कम्युनिटीज एंड कोस्टल इको सिस्टम obviously, सी लेवल अगर आप पहले से पता कर लोगे तो ऑब्वियसली जो कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ वगैरह आती है उनसे भी बचने में मदद मिलेगी अगला जो टॉपिक है वो है पर्सी मिशन तो दोस्तों आपको पता है नासा का ये मिशन है ठीक है समझते हैं क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया क्योंकि दोस्तों जो पर्सी रोवर है ये आपको पता है नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रहा है ऑब्वियसली याद रखिए नासा जो है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रहा है उसी का ये पार्ट है पर्सी रोवर ठीक है ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है ऑफ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स ऑब्वियसली इस परसिवरेंस रोवर के ज़रिए हम रो नासा जो है रोबोट्स भेज रहा है नार्स मार्स के ऊपर ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन करी जा सके ठीक है एम क्या है परसिवरेंस मिशन का देखिए एम सिंपल है कि मार्स पे जाना और माइक्रोबियल लाइफ के बारे में पता कराना और प्रिपेयर करना फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और कलेक्ट करना सैम्पल्स ऑफ रोक एंड रेगुलित्थ रेगुलथ मतलब होता है ब्रोकन रोक एंड सॉयल ऑबली इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना ताकि हम और वापस इनको धरती पर लाना ये सिंपल सा एम है परसिवरेंस रोवर का ठीक है हाल ही में आ, इसने टाइटेनियम ट्यूब जो है आ, प्लेस करा था देखिए टाइटेनियम ट्यूब कंटेनिंग अ रॉक सैंपल ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स इसको प्लेस करा था ठीक है इग्नियस रॉक वॉ सैंपल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम मार्स आ, जेजरो क्रेटर एंड कॉल्ड साउथ तो ऑब्वियसली इसने बहुत सारे अभी सैंपल्स से, कलेक्ट करे थे इसने इग्नियस रॉक के सैंपल भी कलेक्ट करे थे मार्स के ज़रिए ठीक है सैंपल्स आर बीइंग प्लेसड एट अ लोकेशन कॉल्ड थ्री रॉक्स ऑब्वियसली ये सारे सैंपल्स इकट्ठा करके इस टाइटेनियम ट्यूब में है ना ये एक तरीके का एक, वो मान लीजिए मशीन है इसमें सारे के सारे सैंपल्स इकट्ठा करके और मार्स पे ही इकट्ठा कर रहे हैं ये सारे के सारे सैंपल मतलब अभी ये जो रो, परसिवरेंस रोवर है ना ये सारे के सारे सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है और मार्स पर ही एक जगह है जिसका नाम इन्होंने दिया थ्री फॉक्स यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है ताकि फ्यूचर में दोबारा कोई मिशन भेजेंगे ना इस सैंपल्स को उठाने के लिए उठा लाएंगे और इस पर रिसर्च करेंगे ठीक है देखिए अ बैकअप इफ परसिविर डिलीवर इट सैंपल्स एंड सब्स रिटर्न दिस सैंपल्स टू द अर्थ साफ साफ बोला कि अगर ये परसिवियरेंस मिशन ये सैंपल्स को नहीं ला पाता है तो फ्यूचर में नासा दोबारा मिशन भेजेगा और इन सैंपल्स को धरती पर लेके आएगा कुछ और मिशन हैं जो मार्स पर भेजे गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ये मिशन है इसके अलावा यूएसए के तो आप देख लीजिए मार्स रिकोनेसेंस ऑर्बिटर है मार्स ऑडि है मेवन है क्यूरोसिटी रोवर है इसके अलावा अभी परसिवेरेंस रोवर भी पढ़ा दिया है यू का बहुत इंपॉर्टेंट है होप इसको दो में लॉन्च करा गया था चाइना का है तियन मिशन ठीक है दोस्तों याद देखिए सारे के सारे इसके अलावा भारत ने भी मंगलयान मिशन भेजा था आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस क्या है मार्स का अब भाई इतने सारे लोग जो है मिशन भेजे जा रहे हैं अलग अलग कंट्री क्यों भेजे जा रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट है सर्च फॉर लाइफ है ना हम लोग चाहते हैं कि दूसरे प्लानट्स पर भी लाइफ देखें ताकि ह्यूमन्स को वहाँ पर सेटल करवा सकें देख लीजिए एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि मार्स वॉज वंस फुल ऑफ वाटर ऐसा सजेस्ट करता है कि मार्स के ऊपर एक टाइम पर वाटर था वार्मर था हैड अ थिकर एटमोसफेयर ऑफर अ पोटेंशली हैबिटेबल इन्वायरमेंट ऐसा माना जा रहा है कि मार्स रहने योग्य पहले ग्रह था लेकिन अभी कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है तो इसलिए हम सर्च कर रहे हैं इसके अलावा दूसरा सिग्निफिकेशन जिसकी वजह से मार्स पर भेज रहे हैं वो है पॉसिबल प्लानट एंड ह्यूमंस कैन विजिट और इन्हेबिट इन द लॉन्ग टर्म ओबियसली अगर हम फ्यूचर में अच्छे से रिसर्च कर लेते तो ह्यूमंस का सेटलमेंट वहाँ करवा सकते हैं देखिए वीनस एंड मर्करी हैव एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स ऑल प्लानट इन आर सोलर सिस्टम स्टार्टिंग विद जुपिटर आर मेड ऑफ गैस एंड आर वेरी कोल्ड ऑब्वियसली दूसरे प्लानट्स हैं वहाँ पे रहने योग्य एनवायरनमेंट नहीं है लेकिन मार्स के पास थोड़ा सा इन्वायरमेंट लग रहा है पॉसिबिलिटीज़ अगला जो टॉपिक है वो है आर्टमिस वन लूनर मिशन नाम से पता चल रहा है आ, ये कहाँ का मिशन है लूनर मतलब चंद्रया चंद्रमा का मिशन है आर्टमिस समझते हैं देख लीजिए अनक्रिव्ड ओरियन कैप्सूल स्प्लैश डाउन ऑफ द कोस्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया ब्रिंगिंग एन एंड टू तो नासाज आठमिस वन मून मिशन आफ्टर 2.3 मिलियन किलोमीटर फ्लाइट ऑब्बियसली ये जो आठमिस मिशन था नासा का था ये तो आपको पता चल गया और इस मिशन की लाइफ जो है अभी भी खत्म हो गई क्योंकि ये अभी कोस्टल ऑफ बाजा कैलिफोर्निया में गिरा था ठीक है ये दोस्तों ये जो अभी गिरा है धरती पे वापस वन मिशन ये याद रखिए कब गिरा है जब अभी नासा का जो लूनर मिशन था अपोलो सेवनटीन सबसे पहले नासा ने अपोलो सेवनटीन को पचास वर्ष पूरे हो चुके हैं पचासवीं एनिवर्सरी थी तभी ये आठमीस उसी वाले दिन गिरा था ठीक है ओरियन परफॉर्म न्यू लैंडिंग टेक्निक कॉल्ड स्किप एंट्रिंग ऑब्वियसली ये जो अभी आठमिस मिशन गिरा है ना आ, समुद्र में ये एक नए तरीके की लैंडिंग टेक्निक के जरिए गिरा जिसको स्किप एंट्री कहा जाता है स्किप एंट्री मतलब देखिए कोई अगर बर्फ़ से पहाड़ से ना बर्फ़ से आ, नीचे फिसल रहा है तो बीच में अगर कोई पत्थर वत्थर आ जाते हैं ना फिसलते समय वो क्या करेगा कूद जाएगा यहाँ पत्थर को पत्थर से बचने के लिए कूद जाता है और फिर वापस आ जाता है तो इसी को कहा जाता है स्किपिंग एंट्री ठीक है देखिए डिजाइन टू हेल्प स्पेसक्राफ्ट एक्यूरेटली स्प्लैश डाउन एट द लैंडिंग साइट एंड रेड्यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसे कहा जाता है देखिए ओरियन एंटर द अर्थ अपर एटमोसफेयर आप देख लीजिए ये स्किप एंट्री क्या है पहले ओरियन जो है अर्थ के अपर एटमोस्फेयर में एंटर हुआ ठीक है उसके बाद यूज़ करा था एटमोसफेयर को और इसके लिफ्ट को ताकि स्किप बैक कर सके आउटसाइड द एटमोस्फेयर ओनली टू री एंटर वंस अगेन ठीक है ये हो गई स्किप टेक्निक स्किप एंट्री इतना आपको डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है लेकिन समझा दिया थोड़ा सा आर्टमीज जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है नासा का डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का ठीक है इसमें क्या क्या आता है ओरियन स्पेस आता है स्पेस लॉन्च सिस्टम आता है रॉकेट आते हैं ठीक है इट इज़ फर्स्ट इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशन दैट विल इनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू मून एंड मार्स ऑब्वियसली ये नासा uh, का एक uh, उस सीरीज़ का मिशन है जिसके जरिए नासा जो है मास और मून दोनों पे एक्सप्लोरेशन अपना बढ़ाना चाहता है देखिए आर्टमिस वन डेमोन्स्ट्रेट्स डेट ओरियंस हीट शील्ड कैन विस्थ हाई स्पीड एंड हाई हीट कंडीशन वाइल रिटर्निंग थ्रू अर्थ एटमोस्फेयर ऑब्वियसली आर्टमिस वन मिशन ने साफ साफ दर्शा दिया है कि जो ओरियन की हीट शील्ड है वो विथ स्टैंड कर सकती है हाई स्पीड के साथ भी देखिए ना इतनी स्पीड से गिरा धरती पर तो हाई स्पीड से के साथ भी विथ स्टैंड कर सकती है और हाई हीट कंडीशन के साथ भी व स्टैंड कर सकती है ये नासा के इस आटमिस uh, मिशन ने प्रूफ कर दिया है देख लीजिए इसके बाद आर्टमिस टू भेजेगा नासा फिर आटमिस थ्री भी भेजेगा आटमिस टू कब भेजेगा दो तक ठीक है इसमें क्रूड फ्लाइट होगी यानी इंसानों को भेजने की कोशिश करी जाएगी दैट विल ऑर्बिट मून बट नॉट लैंड इसमें सिर्फ ऑर्बिट करेंगे मून पे लैंड नहीं करेंगे फिर आठवीं स्त्री भेजा जाएगा दो तक और इसमें नासा प्लान कर प्लान कर रहा है कि हम लोग जो है क्रूड भेजें मतलब इंसानों को भेजेंगे और मून के साउदन पोल पे लैंड भी करवाएंगे अदर मून एक्सप्लोरेशन मिशन देख लीजिए जैसे लूना टू किसका मिशन है देख लीजिए ये यूएसएसआर का मिशन है ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि लैंड करा था मून पे अपोलो इलेवन फर्स्ट ह्यूम्स हैं जो कि लैंड हुए थे मून पे ठीक है और लॉन्च करा गया था किसके द्वारा यू के द्वारा भारत के द्वारा चंद्रयान वन लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा अब हम चंद्रयान टू भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है गामा रे बस्ट समझते हैं ये गामा रे बस्ट टॉपिक न्यूज़ में क्यों आ गया क्योंकि हाल ही में पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड करा है बाइनरी मर्जर एमिट कर रहे हैं क्या एमिट कर रहे हैं लॉन्ग गामा रे बस्ट विंड किसके साथ किलोनोवा एमिशंस के साथ ठीक है देखिए ट्रेडिशनली होता क्या है बाइनरी मर्जर एमिट करता है शॉर्ट जीआरबी के साथ ठीक है और वहीं बात करिए किलोनोवा ये अकर करता है कब कब अकर करता है जब दो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जो है जब कोलाइड करते हैं तब ये आ, किलोनोवा अकर करता है ठीक है अब जीआरबी होता क्या ये गामा रे बस्ट होता क्या तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता गामा रे फ्लैशेस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं क्या होते हैं फ्लैशेस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं और ये किस में से निकलते हैं एनर्जेटिक कॉस्मिक कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन से निकलते हैं अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना जी आ, तो आपको नजर आ जाएगा ठीक है जी जो है अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इनको दो मेन कैटेगरी में, में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी दो मेन कैटेगरी पहला है लॉन्ग जी आर बी लॉन्ग जी आर बी में कितना टाइम होता है दो सेकेंड या उससे ज़्यादा होता है और ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ डेंस ऑब्जेक्ट अब भाई कोई भी डेंस ऑब्जेक्ट जब फॉर्म होता है तब उसमें से ओरिजिनेट होते हैं अब डेंस ऑब्जेक्ट कैसे जैसे कि ब्लैक होल हो गया ठीक है ब्लैक होल इन सेंटर्स ऑफ मैसिव कोलप्सिंग स्टार वहीं दूसरा जो टाइप है वो है शॉर्ट जीआरबी इसका टाइम होता है लेस देन टू सेकंड्स ये कॉज्ड बाय होते हैं मर्जर ऑफ डेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स समझ में आ गया अगला टॉपिक है वो है ग्लास रिपोर्ट 2022 समझते हैं ग्लास रिपोर्ट है क्या देखिए ग्लास रिपोर्ट को हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने रिलीज करा था इसका फुल फॉर्म क्या है ग्लास का फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम रिपोर्ट ठीक है तो नाम समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और यूज सर्विलेंस सिस्टम है ठीक है ग्लास को पहली बार लॉन्च करा गया था 2015 में ग्लास ए जो है एक प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच भाई किस चीज़ की स्टैंडर्डाइज अप्रोच स्टैंडर्डाइज अप्रोच कि भाई कैसे डाटा कलेक्ट करना है एनालाइज करना है शेयर करना है ए डाटा ए मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डाटा को कैसे कलेक्ट करना है एनालाइज करना है शेयर करना है कंट्रीज़ uh, के द्वारा ठीक है 2022 की जो ग्ला ग्लास uh, रिपोर्ट है ये इस वजह से भी खास है क्योंकि पहली बार इसने इंक्लूड करा है डाटा किस चीज़ का एंटीबायोटिक कंजम्पशन एट नेशनल लेवल का भी डाटा इंक्लूड करा है ठीक है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है कि डाटा को कलेक्ट करना और सबमिट करना ई डाटा ठीक है सेलेक्ट पैथोजेंस फॉर फोर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कौन से फोर टाइप ऑफ इंफेक्शन का डाटा कलेक्ट करना है देखिए पहला है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन दूसरा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइल इन्फेक्शन और चौथा है जेनिटल इन्फेक्शन inf, uh, इन सब का डाटा इकट्ठा करना और देना काम है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं आपने पढ़ रखा होगा आई होप देखिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है ये जब होता है तब जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगी या पैरासाइट जो है चेंज करता रहता है अपने आप को ओवर टाइम पे ठीक है और जो प्रेजेंट मेडिसिन है हमारे पास है ना उन मेडिसिन पे भी ओवर पावर कर लेता है वो मेडिसिन भी वो सेव नहीं कर पाती है हमारे को तब हम कहते हैं कि वो बंदा वो जो पैथोजन है बैक्टीरिया वायरस है वो क्या हो गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बन चुका है देखिए मेडिसिन मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू तो ट्रीट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड आपने कोरोना के बारे में सुना होगा कि कोरोना का रूप बदल रहा है कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि भाई कोरोना अपना अपना रूप बदल रहा है जिसकी वजह से जो प्रेजेंट मेडिसिन है वो भी वर्क नहीं करती हैं इसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एज अ रिजल्ट होता क्या है एज़ अ रिजल्ट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बिकम इन इफेक्टिव एंड इन्फेक्शन बिकम इंक्रीजिंगली टू डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट ओबियसली जब कोई भी वायरस फंगी पैरासाइट एंटी माइक्रोबिल रेसिस्टेंस हो जाता है तो आपके पास जो मेडिसिन है वो भी वर्क नहीं करती हैं ठीक है एक और चीज समझ लीजिए अवेयर इसका फुल फॉर्म है देखिए द अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स वॉज डेवलप्ड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन बाय द डब्ल्यू एक्सपर्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन एंड यूज ऑफ इंसेशनल मेडिसिन अवेयर क्या है दोस्तों समझ में आ गया अवेयर क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है ठीक है तो इसको डेवलप करा गया था दो हजार सत्रह में डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ये टूल है टू सपोर्ट एंटीबायोटिक्स टूवरशिप एफर्ट्स एट लोकल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर ठीक है एंटीबायोटिक्स को इस अवेयर के जरिए क्लासीफाई करा गया है तीन ग्रुप्स में पहला है एक्सेस दूसरा है वॉच एंड तीसरा है रिजर्व देखिए कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक क्लासेस ऑन ए एम आर इन ऑर्डर टू एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर देर यूज देखिए पहले डॉक्टर्स क्या होते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए कोशिश करा जाता है कि इलाज हो जाए अगर वो मेडिसिन काम नहीं करती हैं फिर दूसरी मेडिसिन दूसरे लेवल पर फिर वो भी काम नहीं करती हैं फिर तीसरे लेवल की मेडिसिन पर जाता है तो अवेयर इसी का काम करता है कि कौन सी मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब करी जानी है उसी को डिवाइड कर रखा है ठीक है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय डब्ल्यू ये पता चल गया आपको किसने रिलीज़ करी है ठीक है समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है की हाईलाइट्स देख लीजिए इसमें बोला गया है डिस्पाइट कंटिन्यूड इंपैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन मलेरिया केसेस एंड डेथ रिमेन स्टेबल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सोचिए कोविड नाइन्टीन के बावजूद मलेरिया के केसेस और डेथ जो है स्टेबल रहे दो हज़ार इक्कीस में और इस रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया है कि एस्टिमेटेड टू फोर्टी सेवन मिलियन जो केसेस हैं रिपोर्ट करे गए थे इसके अलावा सिक्स लैख नाइनटीन थाउजेंड मलेरिया की जो डेथ हैं ग्लोबली हुई थी दो हज़ार इक्कीस में ये डाटा याद कर लीजिए ऐसे डाटा कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है और समझते हैं इंडिया के बारे में क्या बोला इन्होंने बोला इन्होंने कि इंडिया ने अकाउंट करा था सेवनटी नाइन परसेंट ऑफ केसेस और लगभग एटी थ्री परसेंट ऑफ ऑल मलेरिया मलेरिया जो डेथ हुई वो भारत में हुई थी इन डब्ल्यू एच ओ के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ठीक है मलेरिया आपको पता है एक पैरासाइट के द्वारा होता है जिसको फीमेल एंटी एनोफिलिस मॉस्किटो कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा पांच पैरासाइट्स पीसी जो कि कॉज करती है मलेरिया को ह्यूमंस में इनमें से जो दो पैरासाइट्स हैं पहला का नाम है पी फालसीपुरम जो कि ज़्यादातर प्रेविलेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और दूसरा पी विवेक्स जो कि प्रेविलेंट है आउटसाइड ऑफ सब सारण अफ्रीका ये पोस्ट करते हैं ग्रेटेस्ट थ्रेट जिसकी वजह से मलेरिया होता है अगला जो टॉपिक है वो है विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी वोम्ब जिसको शॉर्ट में कहा जाता है फिर से रीड कर देता हूँ सॉरी दोस्तों विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है वोम्ब ठीक है ये किसने लॉन्च करा है वोम्ब दोस्तों ये लॉन्च करा है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर लॉन्च करा है ये आपको पता चल गया है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना किसके बारे में अबाउट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी तो ये कैसे मदर से बच्चों में हेपेटाइटिस बी ट्रांस ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ठीक है और कैसे अवेयरनेस फैलाई जाएगी देखिए अपॉइंट करा जाएगा हंड्रेड मदर्स विद हेपेटाइटिस बी एज एम्बेसडर एंड एजुकेटर्स को प्रोग्राम जो है मार्क करता है ट्वेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ येलो रिबन कैंपेन जिसको लॉन्च करा गया था उन्नीस सौ अट्ठानवे में ताकि इस येलो रिबन के कैंपेन के जरिए हम इंक्रीज कर सकें पब्लिक अवेयरनेस की पब्लिक अवेयरनेस इसको किसके बारे में वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अब हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है याद रखिए इसको ये कैसे होता है ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के जरिए हाई रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम सिरोसिस एंड लिवर कैंसर के जरिए इसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज मदर टू चाइल्ड ये तो मैं बता चुका हूं अगला टॉपिक है वो है एच आई वी इन्फेन रेट डिक्लाइंस बाय फोर्टी सिक्स परसेंट बिटवीन टू थाउजेंड टेन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नाको ने ये बोला है तो एच आई वी इन्फेक्शन का जो रेट है कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है फोर्टी सिक्स परसेंट दो हज़ार दस से इक्कीस के बीच में देख लीजिए ऑन ईब ऑफ वर्ल्ड एड्स डे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में नाको कहा जाता है इसने रिवील करा कि इंडिया का एनुअल रेट जो है एच आई का ये डिक्लाइन हुआ है फोर्टी का दो हज़ार के बीच में वहीं ग्लोबल की बात करी जाए ग्लोबली कितना डिक्लाइन हुआ है थर्टी तो इंडिया ने थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है ठीक है ऑल्सो इसमें रिपोर्ट में बोला गया कि एड्स रिलेटेड जो मोटेलिटीज़ हैं इनमें भी डिक्लाइन देखा गया सेवेंटी सिक्स परसेंट का नाको जो है ये जिसने रिपोर्ट रिलीज़ कर दिया करी है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है नोडल एजेंसी के तौर पर वर्क करती है किस चीज़ से किस चीज़ के ऊपर एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर ये नोडल एजेंसी के तौर पर वर्क करती है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ करी है सेवरल इनिशिएटिव एट द इवेंट तो देख लीजिए एड्स से रिलेटेड या और दूसरे चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारे इनिशिएटिव भी रिलीज़ करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने कौन कौन से इनिशिएटिव रिलीज़ करें देख लीजिए पहला है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी डिजिटल हब जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्स मटेरियल जो हैं रिलेटेड टू एच और एड्स जो हैं इनको अवेलेबल करवाया जाएगा कॉमन पब्लिक के लिए इसके अलावा नेशनल डाटा हब ऑफ नाको इसको भी तैयार कराया हाल ही में देखिए देखिए सेंट्रल डिजिटल डिपोजिट्री फॉर की रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स और ऑल अप्रूव डाटा ऑफ नाको फॉर इंटरनल यूज़ यहाँ पे इसके अलावा अभी नहीं चलेगा कैंपेन भी शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और यह किस चीज़ से रिलेटेड है ताकि एलिमेट कराया जा सके एच रिलेटेड स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी में ठीक है वर्ल्ड एड्स डे हैज़ बिन ग्लोबली ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व कराया जाता है फर्स्ट दिसंबर को ऑब्जर्व कराया जाता है उन्नीस से तो इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए पी एग्जाम में पूछा जाता है कि कब वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व कराया जाता है फर्स्ट दिसंबर को थीम क्या थी 2022 की थीम थी दोस्तों Ecolize, ये थीम थी वर्ल्ड एड्स डे की आ, स्लोगन कॉल टू टेक प्रैक्टिकल एक्शन टू एड्रेस इन इक्वालिटी इन एच आई वी तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है एच आई वी क्या है दोस्तों एच आई वी एक वायरस है जो कि वीकेंड करता है एक पर्सन की इम्यून सिस्टम को ठीक है और कैसे इम्यून कर वीक करता है इम्यून सिस्टम को बाय डिस्ट्रॉइंग इंपॉर्टेंट सेल्स समझ में आ गया एच क्या है पहली बात तो एक वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है वीक करता है और कैसे वीक करता है हमारे इंपॉर्टेंट सेल्स को वीक डिस्ट्रॉय करता है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और ये वही सेल्स हैं जो कि फ़ाइट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट ठीक है करंटली बात की जाए तो दोस्तों एच का कोई क्योर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर हम प्रॉपर मेडिकल केयर लें एच को कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉपर याद रखिए केयर नहीं है लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है एच नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स अगर एच को ट्रीट नहीं करा गया तो एड्स जो है बीमारी हो जाती है बीमारी हो जाती है फिर से बोलते देता हूँ एच वायरस है एड्स बीमारी है 2021 में 52 परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद एच आई वी वर एक्सेसिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ग्लोबली ठीक है अगला जो टॉपिक है वो है ट्यूबर क्लोसिस से रिलेटेड शॉर्ट में टी कहा जाता है ट्यूबर क्लोसिस रिसर्च फंडिंग ट्रेंड्स 2005 से लेकर 2021 की रिपोर्ट पता चल गया ये रिपोर्ट में क्या है तो टी रिसर्च फंडिंग टी से रिलेटेड क्या रिसर्च हो रही है उसमें कितनी फंडिंग फंडिंग हो रही है और ये 2005 से लेकर 2021 तक के डाटा प्रेजेंट करती है रिपोर्ट और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है रिलीज करी है ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप ने जिसको शॉर्ट में टैग कहा जाता है और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज करी है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप जो है यूनाइटेड नेशन का होस्टेड एंटिटी है दैट हैज़ गोल टू एंड टी बी बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है दो हजार तीस तक का इनका टारगेट है कि टी बी को एंड करेंगे अगर मैं आपसे पूछूँ भारत का क्या टारगेट है टी बी को एंड करने का कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए चलिए भारत ने टी वी को एंड करने का क्या टारगेट रख रखा है इस रिपोर्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स हैं देखिए फर्स्ट टाइम फंडिंग फॉर टी वी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हिट अब बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सोचिए पहली बार जो फंडिंग है टी बी रिसर्च को लेकर किस चीज़ को लेकर टी रिसर्च को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर कितने की फंडिंग आ गई बिलियन डॉलर्स की आ गई है वर्ल्ड वाइड 2021 में यूएन एन यू की हाई लेवल मीटिंग ऑन टीबी इन 2018 सेट द टारगेट ऑफ टू बिलियन पर एन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए हम लोगों ने टारगेट रखा है दो बिलियन का पर एन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर लेकिन अभी भी एक बिलियन तो हम लोगों ने इकट्ठा कर ही लिया है चलिए देखते हैं कब तक दो बिलियन कर पाते हैं टी जो है आपको पता है माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर इसके द्वारा होती है ये एक बैक्टीरिया है ठीक है इट इज़ अ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज ऑब्वियसली ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है पर्सन से पर्सन थ्रू एयर ठीक है लेकिन याद देखिए टीबी जो है क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है अगला जो टॉपिक है वो है पैथो डिटेक्ट किट क्या है पैथो डिटेक्ट किट नाम से पता चल रहा है कि पैथो को पैथोजेंस को डिटेक्ट करने की एक किट होगी बिल्कुल भैया देखिए डिटेक्ट किट जो है बाई पुणे बेस्ड माई लैब इंडिया की पहली इंडीजिनियस टीबी डिटेक्शन किट है नाम से पता चल गया दोस्तों किसने डेवलप करिए माई लैब ने और ये इंडिया की पहली इंडिजिनस टीबी को डिटेक्ट करने की किट है ठीक है इसको हाल ही में अप्रूवल मिल चुका है किसके द्वारा सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टीबी एक्सपर्ट कमेटी और आईसीएमआर के द्वारा अब इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा ठीक है एडवांटेजेस क्या हैं इस पैथो डिटेक्ट के देखिए ये एक सिंगल टेस्ट है जो कि डिटेक्ट कर पाएगा ट्यूबर को और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टी को भी डिटेक्ट कर पाएगा तो बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टी को डिटेक्ट करने के लिए किट जो है मोर ऑटोमेटेड है और रिड्यूस करती है नीड फॉर द हाई एक्सपर्टाइज टू रन द टेस्ट ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट बंदा ही नहीं चाहिए इसको टीबी मतलब ऑटोमेटेड मशीन को चलाने के लिए जो नॉर्मल ट्रेनिंग देके भी आप सिखा सकते हो किट कैन बी स्टोर्ड इन एट एन इंडियन रूम टेम्परेचर ठीक है इसके अलावा लो कॉस्ट एंड डू नॉट रिक्वायर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशन तो बहुत सारे फायदे हैं इसके अगला जो टॉपिक है वो है एथिलीन ग्लाइकोल क्या है एथिलीन ग्लाइकोल समझते हैं ये है क्या और न्यूज में क्यों आ गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने इशू करा है गेजेट नोटिफिकेशन जिसका नाम टाइटल रखा है टाइटल क्या रखा है एथिलीन ग्लाइकोल फुल फॉर्म क्या है एथिलीन ग्लाइकोल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022 तो याद रखिए एथलॉन ग्लाइकोल ऑर्डर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू रिलीज कराया किसने डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने एथलिन ग्लाइकोल जो है एक कलरलेस ऑर्डरलेस एल्काहलिक कंपाउंड होता है ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो समझ में आ गया इट इज़ अ सिरपी और विस्कोस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो याद देखिए ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है ठीक है विश लिक्विड रहता है इट इज़ मोस्टली यूज एज एन ऑटोमेटिव एंटी फ्रीज तो याद रखिए इसको ऑटोमेटिव फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है एंड फॉर मैनुफैक्चरिंग पोलिस्टर फाइबर और पोलिस्टर फाइबर को मैनुफैक्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है ठीक है ऑल्सो फाउंड इन हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड इसको हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड में भी पाया जाता है स्टैम में भी पाया जाता है और जो पैड की इंक्स आती हैं इसके अलावा बॉल पॉइंट पेंस होते हैं उनका भी उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है ठीक है सॉल्वेंट्स में पेंट्स में कॉस्मेटिक्स में प्लास्टिक एक्सेट्रा इन सब में इसका इस्तेमाल होता है ठीक है डीथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथला इथिलीन ग्लाइकोल आर अडल्ट्रेंट्स दैट आर समटाइम्स इलीगली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन लिक्विड ड्रग्स टू कट कॉस्ट बोलिए बहुत तरीके से इसका कभी कभार इलीगली इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड ड्रग्स में ताकि उसका कॉस्ट कट किया जा सके ठीक है अगला जो टॉपिक है वह है साइंटिफिक पब्लिकेशन इन इंडिया ठीक है आपको पता है साइंस को लेकर वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन होती रहती है रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं तो वही साइंटिफिक पब्लिकेशन है ठीक है भारत के में बात करी गई कि साइंटिफिक पब्लिकेशन भारत में कैसी होती है देखिए इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है साइंटिफिक पब्लिकेशन को लेकर ये हम लोगों ने काफी जंप करा है पहले हमारी पोजिशन थी सेवंथ अब हो गई है थर्ड ठीक है किसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की रिपोर्ट तो याद रखिए नेशनल साइंस फाउंडेशन और साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 की रिपोर्ट में हम लोगों ने स्थान रख लिया थर्ड ठीक है इंडिया ने बात करी जाए 2010 से लेकर 2020 के बीच में कितने हम लोगों ने पेपर पब्लिश करे देखिए इंडिया ने पब्लिश करे वन लैक फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टीन पेपर्स इन टू इन कंपेरिजन टू सिक्स पेपर्स इन टू सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था मैंने तो याद देखिए दो में हम लोगों ने जहाँ साठ पेपर्स पब्लिश करे थे साइंस एंड फाउंडेशन या इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स को लेकर दो बीस में हम लोगों ने आंकड़ा ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है ऑलसो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोज दैट तो याद किया समझ में आ गया नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसने भी बताया है क्या बताया है कि आई आई टी सी एस आई आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूट जो हैं अंडर सेंटर कंट्रीब्यूशन सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ टोटल रिसर्च आउटपुट बिटवीन टू थाउजेंड वन से लेकर ट्वेंटी के बीच में डिस्पाइट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम सेंटर वही बात करी जाए इन कंपैरिजन अदर इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड वन थर्ड ऑफ टोटल आउटपुट डिस्पाइट ग्रेटर एक्सपेंडिचर तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उन पर ज्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन फिर भी रिसर्च इतनी नहीं हो रही है वही सेंटर इतना कम पैसा दे रहा हो लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जो आउटपुट है वो रिसर्च में ज्यादा आ रहा है तो स्टेट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है रिसर्च के ऊपर इवन इतना पैसा बांट रहे हैं फिर भी अगला जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है सी आई एफ कहा जाता है फिर से रीड कर देता हूँ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप ये क्या है देखते हैं द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम जो है एक इनिशिएटिव है किस किस चीज़ का अटल इनोवेशन मिशन का नीति आयोग का और ये दोनों मिलकर कोलाबोरेट कर रहे हैं किसके साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ कोलाबोरेट कर रहे हैं ये एक साल का इंटेंसिव फेलोशिप प्रोग्राम है एम क्या है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का एम सिंपल है फैसिलिटेट करना नॉलेज बिल्डिंग प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एस्पायरिंग कम्युनिटी इनोवेटर्स को ठीक है इसेंशियल फॉर देयर इंटरप्रनियरशिप जर्नी ऑब्वियसली बहुत सारे हम लोग इंटरप्रीनियरशिप डेवलप कर रहे हैं तो भाई इन इंटरप्रनीरशिप को डेवलप करने के लिए भारत में हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा ठीक है द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप इज़ एन इंडिविजुअल विद अ एंटरप्रन्योर माइंड सेट विद एन आइडिया टू सॉल्व आ कम्युनिटी चैलेंज थ्रू हिज़ और हर एंटरप्राइज ओब्वियसली कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के ज़रिए क्या कर रहे हैं देखिए हमारे समाज में बहुत सारे कम्युनिटी चैलेंज फेस करती हैं सपोज मान लीजिए वाटर चैलेंज है ठीक है वाटर से रिलेटेड चैलेंज है कूड़ा का बहुत सारा चैलेंज है तो इन देखिए जो भी सोसाइटी हमारे चैलेंज फेस कर रही है उन चैलेंज को कैसे एंटरप्रन्योर्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है समझे कि नहीं समझे तो इस ये सब इसमें सिखाया जाएगा कम्युनिटी प्रो, इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम में अगला जो टॉपिक है वो है शी स्टेम शी तो आपको पता है लड़की को जा, कहा जाता है स्टैम क्या होता है स्टैम होता है दोस्तों क्या आ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब हम वुमेन को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं इस स्ट्रीम में देखिए एज पार्ट ऑफ स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक अभी स्वीडन और इंडिया का नोबल मेमोरियल वीक चल रहा था जो शी स्टेम है 2022 20, इसको सक्सेसफुली हेल्ड करा गया था थर्ड ईयर इन आर रोल लगातार तीन लगातार तीसरे साल इस आ, प्रोग्राम को आयोजित करा गया था शीश टैम अब शीश टैम क्या है मैं बता चुका हूँ यह एक एनुअल इवेंट है जिसके जरिए सेलिब्रेट करते हैं वुमेन को इन द फील्ड्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स और सस्टेनेबिलिटी देखा गया कि ज्यादातर जो वुमेंस हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में नहीं आती लेकिन हम प्रमोट करना चाहते हैं और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है इस प्रोग्राम को शीस टैम को देख लीजिए एम्बेसी ऑफ स्वीडन इंडिया आयोजित करती है और पार्टनरशिप करती है किसके साथ अटल इनोवेशन मिशन के साथ नीति आयोग के साथ जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन और रिसर्च के साथ पार्टनरशिप की जाती है अगला जो टॉपिक है वो है डीजी यात्रा समझते हैं क्या है डीजी यात्रा देखिए पहली बात तो इसको समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च करा है डीजी यात्रा ठीक है फॉर थ्री एयरपोर्ट्स इन द कंट्री तो अभी पूरे एयरपोर्ट्स पे लॉन्च नहीं करा गया कंट्री के तीन एयरपोर्ट्स पे लॉन्च करा गया अब डीजी यात्रा नाम से पता चल रहा है कि हम यात्रा को क्या बनाना चाहते हैं डिजिटल बनाना चाहते हैं देखिए डिजी यात्रा कंसीव टू अचीव कॉन्टेक्ट लेस ऑबियसली डिजी डिजी यात्रा के जरिए हम कॉन्टेक्ट लेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर एयर एयरपोर्ट बेस्ड फेशियल रिकोग्नीसन टेक्नोलॉजी के जरिए करवाना चाहते हैं देखिए अभी जब आप एयरपोर्ट्स में जाते होंगे ना बहुत सारी भीड़ लग जाती होगी ठीक है लाइन लगानी पड़ती होगी चेक पोस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए लेकिन अब क्या करना चाहते हैं हम डिजी यात्रा ऐप डेवलप करना चाहते हैं उसके ज़रिए पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे पैसेंजर की ठीक है तो अब सिर्फ़ और सिर्फ फेशियल रिकोगशन टेक्नोलॉजी के जरिए उसको एंट्री दे देंगे चेक पॉइंट नहीं लगेंगे मतलब आसान जो यात्रा है बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगी देखिए ये फैसिलिटेट करता है पेपरलेस ट्रैवल अवॉइड करता है आइडेंटिटी चेक्स को मल्टीपल पॉइंट्स इन एयरपोर्ट के ऊपर ठीक है इसके लिए ज़रूरत क्या है डिजी यात्रा के लिए कुछ नहीं बस आप वन टाइम पासवर्ड के जरिए देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए आप डिजी यात्रा पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ठीक है आधार का इस्तेमाल कर सके करके उसके बाद अपनी वहाँ पर सेल्फ इमेज भी कैप्चर कर लीजिए और बस डायरेक्ट एयरपोर्ट पर चले जाइए ईच पैसेंजर वुड गेट a यूनिक डिजी यात्रा पहले से आईडी मिल जाएगी डिजी यात्रा की ठीक है डिजी यात्रा फाउंडेशन हैज़ बिन सेटअप इसके अलावा देख लीजिए भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डिजी यात्रा फाउंडेशन भी uh, सेटअप कर दी है ठीक है एज जॉइंट वेंचर कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग डिजी यात्रा सेंट्रल इको अगला जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन गेमिंग देखिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग गेमिंग कोविड के बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है ठीक है इसका बहुत ज़्यादा लोग इलीगल तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो देख लीजिए इस पर लेकर क्या एक्शन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को हाल ही में नोडल मिनिस्ट्री बना दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पहले तो हमारे यहाँ तय ही नहीं था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग को कौन देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखेगी कौन देखेगा लेकिन अब सेंटर ने साफ साफ डिसाइड कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग को देखने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टी एज सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी विल प्रोवाइड क्लैरिटी सर्टेनिटी टू इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर्स ऑब्वियसली बहुत सारे जो आ, इन्वेस्टर्स थे इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स थे उनको पता ही नहीं होता था कि, कि किसके पास जाएँ अगर हमें इन्वेस्ट करना है ऑनलाइन गेमिंग में तो आप ने साफ साफ क्लैरिटी दे दी है ठीक है इन एबसेंस ऑफ नोडल मिनिस्ट्री ऑनलाइन गेमिंग इंटरेक्ट्स विद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में बताया चुका बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी अब लेकिन एक ही मिनिस्ट्री अपॉइंट कर दी है डिसीजन इज इन लाइन विद गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर पुश फॉर ग्रोथ ऑफ़ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर एंड मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ऑनलाइन गेमिंग ऑब्वियसली भारत सरकार का एम है कि भारत सर भारत जो है ऑनलाइन गेमिंग में अपना रुतबा आगे बढ़ाए हम लोग जो है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स में भी आगे बढ़ें तो उसके उसके बढ़ावे को लेकर यह अच्छी पहल है कि भाई मिनिस्ट्री एक प्रॉपर अपॉइंट कर दी गई है ऑनलाइन गेम्स क्या होता है दोस्तों ऑनलाइन गेम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स रेफ़र करता है गेम्स दैट आर प्लेड ओवर सम फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क तो याद देखिए जो गेम्स सम फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या आसान भाषा में कह लीजिए इंटरनेट पे खेले जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है ऑनलाइन गेम्स एज पर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ऐसा माना जा रहा है कि पंद्रह करोड़ हो जाएगी दो के एंड तक ठीक है इतना पैसा जनरेट करेगी ऑनलाइन गेमिंग आपको पता है ऑनलाइन गेम्स दो तरीके होते हैं तरीके के होते हैं गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस ऑब्वियसली नाम से पता चला है गेम ऑफ़ स्किल्स में आपको कुछ ना कुछ स्किल रिक्वायर्ड होगी गेम ऑफ चांस में भाई लक पे डिपेंड हो आप ठीक है रीजन्स बिहाइंड इंक्रीजिंग ऑनलाइन गेमर गेमर्स अब भाई सिंपल से कारण है मैंने बता चुका हूँ कोविड पैंडमिक आई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन गेमिंग पे बढ़ गए थे इसके अलावा आपको पता है हमारे भारत में स्मार्टफोन्स बच्चे बच्चे के पास आ गए हैं भारत में चीप डाटा है इसके अलावा ठीक है आ, बहुत समय तक स्कूल क्लोज रहे थे भारत में जिसकी वजह से ये ऑनलाइन गेमर्स बढ़ चुके हैं इशू क्या है ऑनलाइन गेमिंग के साथ बहुत सारे इशूज़ हैं अभी भी देखिए जैसे कि नो क्लियर फ्रेमवर्क फॉर टैक्सेशन रेट अभी कितना टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेम पे इसको कुछ क्लियर कट नहीं है काजेज़ फिजिकल सोशल एंड इमोशनल डैमेज ऑफिजली बच्चे इतने सारे गेम खेलते रहते हैं ऑनलाइन जिसकी वजह से उनका फिजिकल सोशल और इमोशनल डैमेज तो होता है इसके अलावा इंपेयर करता है स्लीप को अपेटाइट भूख मारता है कैरियर भी ख़राब हो जाता है बच्चों का ठीक है इन एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ बिन अपॉइंटेड टू रेगुलेट ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट तो ओ बिजली इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स को भी अपॉइंट कराया गया है ताकि ये लोग भी रेगुलेट कर सकें ई e स्पोर्ट्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को सेंटर आइडेंटिफाइज ई स्पोर्ट्स एज कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स तो याद रखिए ई स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं ई स्पोर्ट्स कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्व कराया जाता है पार्टिसिपेंट्स कंटेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज तो बिजली ई स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल होता है डिजिटल एन्वायरमेंट में अगला जो टॉपिक है वो है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड जी ट्वेंटी डिजिटल इनोवेशन अलायंस जिसको शॉर्ट में दिया कहा जाता है लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च कराया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है जी ट्वेंटी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप को ठीक है इसको नोडल एजेंसी के तौर पर अपॉइंट करा गया है जी ट्वेंटी डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप के तौर पे आपको पता है इस साल इंडिया जो है जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है फोकस करेगी थ्री प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर कौन कौन से थ्री प्रायोरिटी एरियाज पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करेगी और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगी ठीक है आप समझते हैं इनके बारे में और डी पी आई कंप्राइजेस फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन स्केल टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑन विच द डिजिटल इकोनॉमी ऑपरेट दिस कैन इंक्लूड आइडेंटिटी सिस्टम पेमेंट सिस्टम डाटा एक्सचेंज एंड सोशल रजिस्ट्री जैसे कि आधार या यू सिस्टम ले लीजिए तो डी जो है कंप्राइज़ करती है फाउंडेशनल पॉपुलेशन स्किल टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि मैंने अभी आपको बता ही चुका हूँ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है अबाउट स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन अब इसके बारे में भी जान लेते हैं ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन क्या है इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है देखिए नाम से पता चल रहा है रेज अवेयरनेस करना अमंग सिटीजनस के ऊपर ताकि वो लोग जो हैं सेफ रहें ऑनलाइन वर्ल्ड में ड्यू टू द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द रेपि अडॉप्शन ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स ऑब्वियसली भारत में जो है डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग फ्रॉड भी किया जा रहा है बहुत सारा तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना काम है इस कैंपेन का ठीक है इट इन्वॉल्व द डिसमिनेशन ऑफ मल्टी लिंग्वेल अवेयरनेस कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक एक्सेट्रा आप समझ लेते हैं जी ट्वेंटी डिया के बारे में दिया भी मैंने समझाया था क्या होता है देखिए डिया का फुल फॉर्म है एक सेकेंड दोस्तों डिजिटल इनोवेशन अलायंस क्या डिजिटल इनोवेशन अलायंस इसके बारे में समझ लेते हैं डिजिटल इनोवेशन अलायंस क्या है देखिए इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज एंड इनेबल द अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव इंपैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजीज तो ओब्विसली इसका क्या काम है जी ट्वेंटी डी का आइडेंटिफाई करना रिकॉग्नाइज करना और इनेबल करना अडॉप्शन को किस चीज़ का इनोवेटिव और इंपैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जो कि डेवलप करी गई हैं स्टार्टअप्स के द्वारा ठीक है फ्रॉम जी ट्वेंटी नेशन एज वेल एज द इनवाइटेड नॉन मेंबर नेशन तो ओबियसली जो भी स्टार्टअप्स हैं चाहे जी ट्वेंटी के नेशन के हो या इनवाइटेड मेंबर नेशन के हो उन सभी से आइडेंटिफाई करवाना रिकॉग्नाइज करना इनेबल करना अडोप्शन ऑफ़ इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का ठीक है क्या करती है डी मिशन देखिए इट सिक्स डिजिटल सॉल्यूशन इन द सिक्स थीम तो अब बिजली डिजिटल सॉल्यूशंस को ठीक करती सीख करती है और कौन कौन सी थीम्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिजिटल सॉल्यूशन लाएगा स्टार्टअप्स हेल्थ टैक्स से रिलेटेड एंड से लेके फाइनेंशियल टैक्स से लेके सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्कुलर सर्कुलर इकोनॉमी तो ऑब्वियसली जो भी स्टार्टअप्स इनसे रिलेटेड सोल्यूशन लाएंगे ओबियसली उनको आ, चांस देना इस काम इसका काम है जी ट्वेंटी डिया का ठीक है अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 हज़ार बाईस जिसको शॉर्ट में आई कहा जाता है क्या है इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम 2022 समझते हैं क्या है ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम जो है एक इनिशिएटिव है जो कि एसोसिएटेड है यू इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ ठीक है अब यू इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए डिस्कस करा जाता है पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ को जो कि रिलेटेड हैं किससे इंटरनेट से रिलेटेड है इंटरनेट गवर्नेंस क्या है दोस्तों इंटरनेट गवर्नेंस इज़ अ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन बाय गवर्नमेंट्स प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ शेयर्ड प्रिंसिपल्स नॉम्स रूल्स डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स दैट शेप एवोल्यूशन एंड यूज़ ऑफ़ इंटरनेट देखिए इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है अब इंटरनेट को कैसे गवर्न करा जाए अब गवर्न के लिए क्या सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ज़िम्मेदार है नहीं भाई सरकार नहीं सभी को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट हो सिविल सोसाइटी हो तभी उसका अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा तो इसी को कहा जा रहा है गवर्नेंस फोरम ठीक है गवर्नेंस फोरम पर इसी पर सब कुछ डिस्कस हो जाएगा ठीक है इट इंक्लूड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर कोड और लॉजिकल लेयर कंटेंट लेयर एंड सिक्योरिटी लेयर सब कुछ इंक्लूड करा जाता है किसको इंटरनेट गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन में ठीक है इट इन्वॉल्वस आई पी एड्रेसिंग डोमेन नेम सिस्टम रूटिंग टेक्निकल इनोवेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन सिक्योरिटी प्राइवेसी एक्सेट्रा इंटरनेट गवर्नेंस इज अ सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ़ इंटरनेट्स पोटेंशियल टू फोस्टर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ऑब्वियसली भाई इंटरनेट गवर्नेंस करवाना बहुत जरूरी है, है ना इंटरनेट गवर्नेंस भाई अच्छे से सभी लोगों को इंटरनेट पहुंच पाए अच्छे से इस्तेमाल कर सकें लोग ये सब कुछ तो आता है ना इंटरनेट गवर्नेंस में देखिए सबको अवेलेबलिटी हो है ना आ, थेरेट ना हो है ना चीप हो और प्राइस सब कुछ हो है ना ये सब कुछ आता है इंटरनेट गवर्नेंस में गवर्नेंस में अब इंटरनेट गवर्नेंस क्यों सिग्निफिकेंट है बिकॉज देखिए इंटरनेट का पोटेंशल बहुत ज़्यादा है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट में बिल्डिंग ऑफ इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी एनहेंसिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सब में भाई इंटरनेट मदद करेगा कैसे लोगों को नॉलेज फैलाना है सोसाइटी में ठीक है एनहेंस करना है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ ये सब कौन करेगा इंटरनेट ही तो करेगा ठीक है और इंटरनेट मैंने बताया ना गवर्न गवर्न करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का, का काम नहीं है प्राइवेट का भी काम है सिविल सोसाइटी का भी काम है दो देर इज़ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इंटरनेट मेजर एक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करते हैं आप देख लीजिए कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स नंबर नंबर्स एंड आईजीएफ इंटरनेट कंपनीज एन वगैरह सिविल सोसाइटी सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें इंडिया आल्सो सपोर्ट करता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन मैटर्स ऑन इंटरनेट गवर्नेंस इन इस आइडिया इंडिया जो है पूरा का पूरा सपोर्ट करता है इंटरनेट गवर्नेंस प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स देख लीजिए इंटरनेट गवर्नेंस प्रोसेस प्रिंसिपल्स कौन कौन से देखिए प्रोसेस हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए हम इंटरनेट गवर्नेंस को मेंटेन कर सकते हैं पहला चीज, चीज़ मल्टी स्टेक होल्डर सबको इन्वॉल्व करना चाहिए इंटरनेट गवर्नेंस कैसे इम, आ, मेंटेन रहेगी जब ओपन होगी पार्टिसिपेटिव होगी कंसेंसस ड्रिवन गवर्नेंस होगी इंक्लूसिव इक्विटेबल होनी चाहिए कोलेबरेटिव होनी चाहिए एक्सेस एंड लो बैरियर्स होनी चाहिए एजिलिटी होनी चाहिए इनेबलिंग मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अकाउंटेबल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सारे के सारे ये uh, एक तरीके से की प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस के है ना गवर्नेंस आप याद कर लीजिए गवर्नेंस को लेकर बहुत बार क्वेश्चन uh, भी पूछा जाता है चैलेंजेस क्या है इंटरनेट गवर्नेंस को लेकर बहुत सारे चैलेंज है पहला है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंटरनेट बाई इंटरनेट का नेचर जो है इवॉल्व होता जा रहा है कंसनट्रेशन ऑफ डिजिटल पावर इन द फ्यू कंपनीज ऑफ देखिए इंडिया में अब uh, दो ही तीन कंपनी बची है जियो बची है एयरटेल बची है आइडिया बची है वोडाफोन बची है चार पाँच कंपनी बची है जो कि एक तरीके से जिनकी पूरा का पूरा हेजमनी बनी हुई है ठीक है डिसीजन मेकिंग स्क्यूड टू सप्लाई साइड रदर देन द डिमांड साइड ऑब्वियसली डिसीजन जो है सप्लाई साइड वाले ज़्यादा लेते हैं रेदर देन डिमांड साइड वाले ले रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट वन्नी समझते हैं प्रोजेक्ट वन्नी क्या है गूगल इंडिया हैज़ टीम्ड अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर दिस इनिशिएटिव तो समझ में आ गया गूगल इंडिया का इनिशिएटिव है और इसने गूगल इंडिया ने किसके साथ टाई अप करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ टाई अप करा है इस इनिशिएटिव के लिए प्रोजेक्ट वन्नी के लिए ठीक है इस प्रोजेक्ट वन्नी का एम क्या है एम है बिल्ड करना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल को ताकि कलेक्ट कर सके लैंग्वेज सैंपल सात सौ तिहत्तर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया है ना भारत में जितनी डिस्ट्रिक हैं वहाँ पे आपको पता है अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं अब उस लैंग्वेज को इकट्ठा करना इसका काम होगा प्रोजेक्ट बनने का अब भाई क्यों लैंग्वेज इकट्ठा करना देखिए तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनी जाएगी ताकि ये कलेक्ट कर सके लैंग्वेज सैंपल्स को अब क्यों सेलेक्ट करी जाए देखिए इट विल बी एन आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड डाइवर्स इंडियन लैंग्वेज एंड डायलैक्ट समझ में आ गया ये आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज मॉडल होगा जो कि भारत की विभिन्न लैंग्वेज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेगा और बोलने की भी कोशिश करेगा अब भाई फिर पूछ रहा हूँ इतनी सारी लैंग्वेज को क्यों इकट्ठा करें देखिए लैंग्वेज बहुत सारी आपको पता है लुप्त होती जा रही हैं तो भाई लैंग्वेज को प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है देखिए पोटेंशियल यूज़ ऑफ़ सच डाटा बेस इज़ इन द बिल्डिंग एप्स ऑबली सोचिए ना इतनी सारी हमने लैंग्वेज इकट्ठा कर ली हैं तो फ्यूचर में जो रीजनल लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती इंग्लिश नहीं आती तो उनकी उन्हीं की भाषा में हम एप्स डेवलप कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ताकि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है उनकी लोकल लैंग्वेज में उसको आ, ट्रांसमिट किया जा सके अगला जो टॉपिक है वो है एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब ठीक है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बनाया गया कहाँ बनाया गया देखिए इसको अभी हाल ही में अनवेल करा गया है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट ने अनवेल करा गया गया। विद स्टार्टअप टेक ईगल के साथ पार्टनरशिप करके ठीक है फिर से बोलता हूँ मेघालय गवर्नमेंट ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ पार्टनरशिप करी थी और उसके बाद एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब अनवेल करा है अब भाई ये ड्रोन डिलीवरी हब काम क्या है नाम से चल पता चल रहा है कि डिलीवरी करने का काम है देख लीजिए इसका एम सिंपल है कि डिलीवर करना वाइटल सप्लाइज जैसे कि ड्रग्स को डायग्नोसिस को सैंपल वैक्सीन को क्लिको सेफली टू डिफरेंट रीजंस देखिए हमारे पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी इलाके हैं जहाँ पे रोड संभव नहीं है वहाँ पे हेलीकॉप्टर वाली सब सुविधाएँ भी संपल अभी पॉसिबल नहीं है तो भाई ऐसे में इसेंशियल चीज़ों को कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक है ना लोग तो बहुत दूर दूर रहते हैं अलग अलग जगहों पे लोग लोकेटेड हैं तो इसीलिए ये ड्रोन हब फैसिलिटी बनाई गई है ताकि ड्रोन्स के जरिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं ड्रग्स रिलेटेड डायग्नोसिस के रिलेटेड सैंपल्स रिलेटेड इनको पहुँचाया जा सके ठीक है बेनिफिट क्या है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर टू टू मिलियन पीपल ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ विजिबिलिटी हाई डिलीवरी कॉस्ट इन सारी की सारी प्रॉब्लम से फेस लड़ने में हमें मदद मिलेगी अगर हम ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगला जो टॉपिक है वो है टू अफ्रीका पेयर्स समझते हैं टू अफ्रीका पेयर्स ये क्या है और न्यूज़ में क्यों आ गया है फेसबुक पेरेंट मेटा विल पार्टनर विद भारती एयरटेल टू एक्सपेंड टू अफ्रीका पेयर्स टू इंडिया तो समझ में आ गया पहली बात तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा ये पार्टनरशिप कर रही है भारतीय एयरटेल के साथ ताकि एक्सपेंड कर सकें टू अफ्रीका पेयर्स टू इंडिया में एक्सपेंड कर सकें टू अफ्रीका पेयर्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम है ना समुद्र के अंदर आपको पता है केबल पड़ी हुई है ठीक है तो टू तो अफ्रीका पेयर्स क्या है वन वर्ल्ड uh, का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम है दैट विल अल्टीमेटली इंटरकनेक्ट कंट्रीज इन द अफ्रीका एशिया और यूरोप तो याद रखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सब्सी केबल है जो कि कनेक्ट uh, करेगा किसको इंटर uh, कनेक्ट करेगा कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका एशिया और यूरोप को अगर ये कंप्लीट हो जाए एक बार टू अफ्रीका पियर्स द सिस्टम विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू टोटल थ्री बिलियन पीपल ठीक है टू अफ्रीका पियर्स विल इंप्रूव कनेक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट इन इंडिया आपको पता ना ज़्यादातर इंडिया भी इंटर uh, इंडिया बोला सॉरी दोस्तों आधा ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट्स के जरिए नहीं फैलता पहुँचता जमीन जो समुद्र में बड़ी बड़ी केबल फैली हुई ना इनके ज़रिए इंटरनेट फैलता है पूरी दुनिया में अगर हम इस टू आ, अफ्रीका पेयर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी है इंडिया और दूसरे वर्ल्ड दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा सुगम हो पाएगी ठीक है तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर इसी के लेक्चर के जरिए हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे के सारे, सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू